महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि बहुत से ऐसे परिवारों में अनबन हो जाती है पति और पत्नी के बीच में, जिसकी नाराजगी होती है और बिना अकारण, कोई कारण नहीं होता उसका, बिना बात के ही आपस में दोनों नाराज हो जाते हैं और ये नाराजगी बहुत लंबी हो जाती है कभी कभी। तो इस नाराजगी को एक छोटे से उपाय से अगर हम दूर कर लें तो घर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कोई बड़ा स्वरूप न लेकर के छोटे में ही निपट जाएं और दोनों की नाराजगी भी दूर हो जाए। तो करना क्या है, पति पत्नी का अकारण क्लेश दूर करना है यदि आपस में, तो पत्नी बुधवार को 3 घंटे का सबसे पहले तो बताते हैं कि मौन धारण कर रही। यदि पत्नी ज़्यादा बोलती है तो पत्नी यदि मौन धारण कर लेगी, पति कुछ भी बोल रहा है, पत्नी ने मौन धारण कर रखा है, तो पहली बात तो लड़ाई होगी नहीं, कुछ कहेगी नहीं, तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके साथ साथ शुक्रवार को अपने हाथों से साबूदाने की खीर बनावे, साबूदाना होता है उसकी खीर बनावे और खीर बना करके उसमें मिश्री डाले, क्योंकि मिश्री जो होती है मिठास लाती है, मीठा होता है। और इसके अलावा इत्र, अपने कमरे में इत्र का छिड़काव करें, इत्र छोड़ें अपने कमरे में और इत्र को बिस्तर के पास में भी थोड़ा सा रखें, जिसमें पति आकर के विश्राम करते हैं वहाँ पर भी थोड़ा सा इत्र रखे। इस प्रयोग से अकारण जो पति पत्नी के बीच में अनबन है वो दूर होगी। और ये जो खीर है, इस खीर को आपको भोग लगाना है भगवान का, और भगवान का भोग लगा करके आपको अपने हाथों से अपने पति को दीजिएगा, पति उस खीर को खाएंगे तो आपसे जो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वह आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो मित्रों, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो नंबर हैं इन पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।